शांति। आज की तारीख है 1/6/14 और आज की ज्ञान मुरली प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की मुरली है। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 3/1/78 78 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है इंतजार के पहले इंतजाम करो। इंतजार के पहले इंतजाम करो। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। हर एक अपनी अपनी स्वयं भगवान के श्री मुख से महिमा सुनते जाएं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूज्यनीय है। वर्तमान में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि भविष्य में भी हम आत्माएं पूज्यनीय हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तु आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले। हाँ बाबा, देखो कितनी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गायन चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के वो बाबा ने बता दिया, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, दिव्य गुणधारी, विश्व सेवाधारी। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले, ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है, क्योंकि 550-600 करोड़ आत्माएं वर्तमान समय इस विश्व के अंदर उपस्थित है। उसमें से हम कितनी थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं जो कि इन सभी महिमा के पात्र बनी है, बाबा ने हमें बनाया है। तो ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो? हाँ, यही बात नित्य याद रहे तो नशा भी हमारा नित्य रहे, परंतु चलते चलते क्या होता है, हम वह बात को भूल जाते हैं और साधारण स्मृति में आ जाते हैं। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। हाँ, बाबा ने हमें जो भी कर्म सिखलाए हैं वो सर्व श्रेष्ठ कर्म हैं। लास्ट नंबर के मणके को भी आज तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है। बाबा कहते लास्ट नंबर का भी जो मणका होगा ना, उसको भी आज तक भक्त आत्माएं क्या करेंगी, जब माला सिमरती है ना तो लास्ट मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी, हाँ बड़ी खुशी की बात बाबा बताते हैं कि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। हाँ, बाबा का जी नहीं भरता तो बाबा आगे कहते हैं नूरे रत्न है। ऐसे नूरे रत्न को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, ध्यान से सुने, अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए वर्णन करते हुए
बाबा कहते हैं अनजान नहीं बनो, जैसे पता ही नहीं है। एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया तो उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। बाबा कहते एक सेकंड भी अगर वो महिमा किसी ने हमारी की तो ये प्राप्ति भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बरदार दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान विश्व कल्याणकारी महादानी महावरदानी सर्व को संपन्न करने वाले सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज सतगुरु बाबा ने देखो क्या दिया है। सतगुरु कहते हैं कि बाप और सेवा में मग्न रहने वाले, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। सेवा की भी रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी, बदलती जाएगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है। कौन सी निशानी बताई? जब सामने से कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। हमें नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमारे सहयोगी बनो, वे सामने से हमको कहेंगे। तो ये समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग और उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है आज का, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। संपन्नता माना सर्व खजानों से हम भरपूर हैं, तो ऐसी संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। जैसे बादल आसमान में कैसे चलते जाते हैं, देखने में लगेगा अगर वो बादल खड़े हों तो फिर एकदम वो घनघोर घटा छाई हुई लगेगी, जैसे वर्षा हुई के हुई। तो बाबा कहते नहीं, प्रकृति की हलचल को कैसा देखो, चलते हुए बादल बस आए और चले गए, जैसे अपना मुखड़ा दिखाया, विदाई ली और चले गए। तो ये ऐसा अनुभव करो। ओम शांति।